अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल अली और आज का हमारा लेक्चर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 1 और इसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 आज हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने जो कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का वो डिस्कस करना है कि मैट्रिक्स क्या है। जब भी हम रियल नंबर्स को इनक्लोज्ड करेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। व्हेन वी इनक्लोज्ड रियल नंबर इन अ स्क्वायर ब्रैकेट देन इट बिकम्स अ मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल यहां पे हम डिस्कस करते हैं और इसकी एग्जांपल के लिए मैं यहां पे कुछ रियल नंबर ले रहा हूं लाइक 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, कुछ रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इन रियल नंबर्स को हमने क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करना है और वो ये हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इन रियल नंबर्स को हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे 1, 2, 3, 4। अब जब हमने इन रियल नंबर्स को इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा तो ये हमारे पास इट बिकम्स अ मैट्रिक्स। तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स कि हम मैट्रिक्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली कंबिनेशन होता है रोज एंड कॉलम का, ठीक है। रोज ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, उनको यहां पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पे रो मैट्रिक्स, ठीक है, और यहां पे हम डिस्कस करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब रो और कॉलम मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट्स हम यही जो मैट्रिक्स है हमारे पास इसी को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हम डिफाइन कर सकें कि रो मैट्रिक्स क्या है और कॉलम मैट्रिक्स क्या है। तो मैं इसी जो एग्जांपल है इसी एग्जांपल को फर्दर कंटिन्यू करूंगा यहां पे 1, 2, 3, 4। अब इसको इन जो नंबर को हमने यहां पे मेंशन किया, इन नंबर्स की जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, ठीक है, इन नंबर्स की जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहां पे देखिए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है वो है 1, 2, इसको हम यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं। सेकंड जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है वो क्या है, 3, 4, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास क्या है, R2 है। तो इट्स मीन कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है, 2, ठीक है। अब आते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। तो कॉलम मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स की वो नंबर्स होते हैं जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में, ठीक है, हमने उन नंबर्स को कंसीडर करना है जो कि वर्टिकल फॉर्म में होंगे। तो जो नंबर्स वर्टिकल फॉर्म में होंगे किसी भी मैट्रिक्स में उनको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी एग्जाम्पल को फर्दर कॉन्टिन्यू करते हैं यहां पर 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहां पे हमने किस चीज को रिप्रेजेंट करना है, कॉलम मैट्रिक को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमारे पास कॉलम फॉर्म कौन सी है, इसकी वर्टिकल फॉर्म जिसको हम कहेंगे वो है 1, 3 और यहां पे कौन से है हमारे पास नंबर 2, 4, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास क्या है, C2। तो C किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट्स मीन कि हमारे पास यहां पे 2 कॉलम है, एक हमारे पास 1, 3 जो कि वर्टिकल फॉर्म में है और सेकेंड 2, 4 वो भी क्या है, वर्टिकल फॉर्म में है। तो देयर आर 2 कॉलम इन दिस मैट्रिक। तो ये हमारे पास छोटी छोटी एग्जांपल हैं, ठीक है, और इसी तरीके से इन्हीं एग्जांपल को हमने फॉलो किया जिससे हमने डिफाइन किया कि मैट्रिक क्या है, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है और रो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास। इन्हीं चीजों को यहां पर हमने क्या किया है, डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक और चीज आपको बताता चलूं स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि समटाइम जब स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में नंबर्स को लिखते हैं तो उनके दरमियान वो स्पेस नहीं देते। लाइक इसी एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से दूं कि अब देखिए ये 1, 2 है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 1, 2, अगर यहां से मैं 2 को इरेज करके इसके पास लिख दूं तो क्या ये 1, 2 सेपरेटली यहां पर डिफाइन हो रहा है, नहीं। यहां पे ये हमें इस तरीके से यहां पे इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो लग रहा है कि जिस तरीके से एक 12 नंबर है हमारे पास। तो मैट्रिक्स के लिए
मैट्रिक्स के लिए नंबर के दरमियान स्पेस होना बहुत जरूरी है। अगर नंबर के दरमियान स्पेस होगी तभी आप मैट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप नंबर्स के दरमियान को स्पेस नहीं रखेंगे, ठीक है, तो वो प्रॉपरली जो मैट्रिक्स है उसको वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने कोई नंबर लिखना है, ठीक है, तो उन नंबर्स के दरमियान एक मॉडरेट स्पेस होना जरूरी है। बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मॉडरेट स्पेस का होना बहुत जरूरी होता है व्हेन यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स के, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसमें हमने इसी चीज को जो है वो आगे फर्दर एक्सप्लेन करना है। वो किस तरीके से कि अब यहां पे हमने मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया, रो मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया, कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है वही बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, उसकी मैं एक छोटी सी डेफिनेशन यहां पे मेंशन कर रहा हूं। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इज नाउन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम है उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। जो एग्जांपल मैंने स्टार्ट मैट्रिक्स से स्टार्ट किया उसी को मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा। आप जो मर्जी रियल नंबर चाहे लिख सकते हैं, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट के लिए हमें कोई ना कोई नंबर्स लेने होते हैं। तो उनके लिए मैं कौन से नंबर ले रहा हूं, 1, 2, 3, 4। आई एम राइटिंग द सेम एग्जांपल हियर, 1, 2, 3, 4। अब इसका मैंने ऑर्डर यहां पे बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। सो सिंपली राइट डाउन हाउ मेनी रोज आर देयर, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पे हमें देखना है कि हाउ मेनी रोज आर देयर। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो नंबर्स है वो हमारे पास क्या है, रो। तो ये हमारे पास आ जाएगी आर 1 और 3, 4 ये हमारे पास आ जाएगा आर 2। तो इट्स मीन देयर आर 2 रोज। तो यहां पे हमारे पास कितनी रोज है, 2 रोज है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉलम को, 1, 3 वर्टिकल फॉर्म ये हमारे पास आ जाएगा C1, 2, 4 ये भी वर्टिकल फॉर्म, ये क्या आ जाएगा हमारे पास C2। तो इट्स मीन इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 by 2। ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इसकी जो है वो जनरल फॉर्म है, जिसमें जो फर्स्ट जो होगा नंबर वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकेंड नंबर होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट्स मीन देर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम इन अ मैट्रिक्स। तो उसको ऑर्डर किस तरीके से लिखेंगे, 2 by 2। जो फर्स्ट नंबर होगा वो रोज और जो सेकेंड नंबर होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। अब इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी कुछ हम पार्ट्स को यहां पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको रेज कर रहा हूं। तो जो हमारे पास यहां पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसकी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। Find the order. हमने क्या करना है, ऑर्डर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मैं एक पार्ट ले लेता हूं बी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसके डिफरेंट पार्ट हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट मैंने जो पार्ट कंसीडर किया है वो बी है, दैट इज 2035। वो क्या है हमारे पास, 2035। नेक्स्ट मैं इसका पार्ट ले लेता हूं स्टूडेंट्स सी, That is 2, 4, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसका पार्ट ले लेता हूं D, डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स हमें गिवन है यहां पे, 4, 0, 6, ठीक है। और एक इसका मैं पार्ट ले लेता हूं F। ये मैंने कुछ पार्ट यहां पे कंसीडर किए हैं ताकि हम इनको यहां पे
एक्सप्लेन कर सकूं मैं, ठीक है, या इनके कॉन्सेप्ट को यहां पे हम डिस्कस कर सकें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बी बी में आप देखें यहां पे कि 2035 ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। सिंपल, आप यहां पे क्या मेंशन करेंगे, मैं इसको अभी फिलहाल डी को यहां से रेस करूं ताकि मैं इसको ऑर्डर की फॉर्म में शो कर सकूं। अब इसमें हमारे पास रोज कितनी है, R1, R2। अब इसमें कॉलम कितने हैं, C1, C2। तो इट्स मीन इसका ऑर्डर क्या बना, 2 by 2। ये इसका हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। यू जस्ट सिंपली राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं सी पे, ठीक है। तो सी को पहले मैं यहां पे एक्सप्लेन कर लूं, ठीक है। अब देखिए सी में हमारे पास, हमने सबसे पहले देखना है हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल फॉर्म हमारे पास सिर्फ एक ही है, 2, 4, जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो इट्स मींस की रो हमारे पास क्या है, R1। अब इसके कॉलम को डिस्कस करना है, तो अब ये सिंगल नंबर हमारे पास एज अ वर्टिकल एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर कौन सा है, 4। तो इट्स मीन इसमें हमारे पास कॉलम कितने आगे, 2। तो द ऑर्डर ऑफ सी इज 1 by 2। इट्स मीन देर इज वन रो एंड 2 कॉलम। अरेंजमेंट को स्टूडेंट चेंज नहीं करना। फर्स्ट जो नंबर होगा वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड जो नंबर होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम, ये दोनों होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके हम पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। अब जो पार्ट डी है स्टूडेंट हमारे पास वो है 4, 0, 6। अब इसका हमने ऑर्डर बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या है, 4, 0, 6। तो यहां पे ये हमारे पास आ जाएगी R1, ये हमारे पास आ जाएगी R2 और ये आ जाएगा R3। तो इट्स मीन देयर आर 3 रोज। अब कॉलम के फॉर्म में हमारे पास एक ही कॉलम है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, C1, ओनली 1 कॉलम। तो इट्स मीन यहां पे 3 रोज आ गई हमारे पास और 1 कॉलम आ गया। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। अब एक एफ पार्ट था उसको मैं यहां पर मैंशन कर देता हूं स्टूडेंट, दैट इज 2, ओनली अ सिंगल नंबर That lie in a form of matrix. तो जब सिंगल नंबर होगा तो उसका सिंगल रो होगी स्टूडेंट और सिंगल कॉलम होगा, ठीक है। तो इसमें इसका जो ऑर्डर बनेगा 1 by 1। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बन गया, 1 by 1। तो स्टूडेंट ये कुछ पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के जो मैंने आपके सामने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप लोगों ने उनकी होम असाइनमेंट के तौर पर आपने उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, वो स्टूडेंट्स मैं इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। सो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे अपकमिंग लेक्चर हैं, ठीक है, उनसे आप अपडेट हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।